मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश महाजन, आयुर्वेदिक फिजिशियंस। मैं अपने वीडियो में चाहता हूं पुण्यपन, अपने 40 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है इस लाइन का, उसको अपने आपके साथ शेयर कर सकूं, खास करके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मैं चाहता हूं आप सब किससे सीखें, किस तरह हम एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री को का बेनिफिट ले सकें, मेरी यही कोशिश है। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप कृपया इसे देखें और अपनी जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करें। आपको काफी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स का बारे में पता चलेगा। आज का मेरा टॉपिक है हॉट लाइन पर बनने वाला तेल डॉट या मोल, किसके क्या फैक्टर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हॉट लाइन्स ये हमारे बुध के क्षेत्र से शुरू हो करके ये रेखा, दिस इज आवर हार्ट लाइन। आप देख रहे हैं ये हमारे दिल रेखा, हृदय रेखा हार्ट लाइन है। इसमें बनने वाला तेल मोल हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव करता है, इसे हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ये हार्ट लाइन क्या इंडिकेट करती है। ये हार्ट लाइन इंडिकेट करती है आपका एटीट्यूड ऑफ लव, आप किस तरह किसी के साथ लव करते हैं, आपकी नेचर कैसी है और आपके हार्ट की हेल्थ कैसी है। तुम्हारे हार्ट स्वस्थ रहेगा या अस्वस्थ, ये भी हमने इससे जाना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें डॉट तिल या मोल कदापि अच्छा नहीं, ये आपके हार्ट की इल हेल्थ को इंडिकेट करता है। मेरे प्यारे मित्रों, जब भी आप पाएं कि आपके हार्ट में कोई भी तिल बना हुआ है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, इल हेल्थ ऑफ द हार्ट। उस वक्त आपको हार्ट से रिलेटिंग कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। You are very prone to have heart stroke. यहां पर ये डॉट बन जाता है, वहां पर उस एज में आपको हार्ट से संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें उससे बचना है। हार्ट स्ट्रोक हमने इससे एज की कैलकुलेशन कैसे करनी है, सपोज जहां तक गई इसको हम गिनते हैं 75, देन इसका हाफ 37.5, ये 0, जहां पर 18, जहां पर 55, इसकी इस तरह हमने कैलकुलेशन करनी है, देखना है किस तरह इस पर ये डॉट बन रहा है, क्या करें। ऐसे जातक जिनके हार्ट लाइन पर डॉट है उनको अपने रेगुलर ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल निरंतर चेक कराते रहना चाहिए। वो लोग हार्ट अटैक के बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं। फिर मैं रिपीट करता हूं, जिन मेरे बच्चों के हार्ट लाइन पे डॉट है वो मेरे बच्चे अपना कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, लिपिड प्रोफाइल्स रेगुलर जांच कराते रहें, वो तनाव से बचें। तनाव से बचने के लिए प्राणायाम जरूर करें और भगवान शिव की आराधना करें, सिंपल हरिओम नमः शिवाय का जाप। मैंने सैकड़ों लोगों के ये मोल्स ठीक होते हैं। मैंने देखा है जब आप अध्यात्म
मेडिटेशन भगवान शिव के चरण में जाते हैं तो ये बैड साइंस ठीक होती है, ये मेरा दावा है, मैंने अपने 40 साल के तजर्बे में भी पाया। गुड कर्मा आपके आपके साइंस को मिटा सकते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और इससे कुछ सीखें। ये मेरे 40 साल का तजर्बा, आप इसका फायदा लें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।